कटिंग मशीन ना टेस्टिंग ओके ओके माने पावर अपना माइनस 11.29 माइनस 19 दिबो पारे 11.28 मतलब ज्यादा है ना ऊपर का तरफ माइनस 19 पॉइंट समथिंग वो कम है
कम नहीं है मतलब ये मतलब अभी ज्यादा ही है दोस्तों। ये है FTTH कनेक्शन जो BSNL की तरफ से है। अगर आप FTTH कनेक्शन BSNL से लेते हैं तो BSNL वाला आपको केबल के थ्रू से एक बॉक्स आपको दे देगा। इस बॉक्स के अंदर में ये जो फाइबर केबल आया है इसमें से तीन चार कुछ केबल है इसमें फाइबर का, तो उसमें से एक ही केबल जिसमें वो लोग कनेक्शन दिया हुआ है एक ही केबल को वो निकल के ये जो येलो कलर का पैच केबल है इसके साथ कनेक्ट कर देगा। और कनेक्ट करने के लिए और एक सोफिस्टिकेटेड मशीन होता है जिसमें आपको कटिंग होता है, जॉइनिंग होता है, उसके बाद आपका लेमिनेशन भी होता है। लेमिनेशन करने के बाद इस पॉइंट से आपको ऐसा एक ब्लू कलर का पोर्ट मिल जाएंगे। ये फाइबर ऑप्टिकल पोर्ट है, इसमें से इसको निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने निकाल दिया इसको, अभी आप जो ONU है या तो ONT है, जैसे कि ये जो कनेक्शन है BSNL की तरफ से दिया गया है ये EPON कनेक्शन है। अगर आपको GPON कनेक्शन दिया जाता है तो GPON में भी और या तो EPON में कनेक्शन देता है तो EPON मॉडेम में लगाना पड़ेगा। जो ONU राउटर दिया गया है वो एक्चुअली साइरोटेक कंपनी का है। तो ये जो केबल है ये एक्चुअली 5 मीटर का आता है, तो 5 मीटर को कनेक्शन को दोनों तरफ ऐसे ही ब्लू कलर का पोर्ट रहता है, तो उसको हाफ काट के दो केबल बना देता है। आपको एक केबल दे देगा तो दूसरे कस्टमर को और एक केबल दे देगा। तो आपको अगर लंबा चाहिए तो पहले ही बोल दीजिए काटने से पहले कि मुझे पूरा केबल चाहिए, आप सिर्फ यहाँ से काटिए, बीच में से मत काटिए, मुझे पूरा लंबा चाहिए, तो वो लोग लंबा वाला ही आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मैंने इसका कैप को लगा देता हूँ। तो ये जो केबल है ये किसी भी हालत से फोल्ड नहीं होना चाहिए, या तो एक केबल हो या तो एक केबल हो, किसी भी हालत से उसको फोल्ड नहीं करना है। अगर आप खिड़की से ले रहे हैं कनेक्शन, अगर खिड़की में छेद हो तभी लीजिए, अगर खिड़की बंद करने का टाइम में ये कट जाता है या तो फोल्ड हो जाता है तो ये बेकार हो जाएगा। किसी भी कंडीशन से ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी मॉडेम में लगा के दिखाता हूँ। ये जो फाइबर पोर्ट है इसको मैं अभी इस मॉडेम में लगाऊंगा। मॉडेम को अच्छे से मैं बिठाऊंगा वॉल में या तो कहीं पर माउंट करूंगा, तो अभी माउंट नहीं किया हूं, जस्ट इसको कनेक्शन को लगाना है। तो ये जो मॉडेम है ये साइरोटेक का मॉडेम है। इसमें जो रेड कलर का इंडिकेशन दे रहा है इसका मतलब उसमें लिखा हुआ LOS मतलब लॉस हो रहा है, मतलब सिग्नल लॉस हो रहा है, क्योंकि ये केबल मैंने लगाया नहीं। ये फाइबर का ये आपका BSNL FTTH का केबल है जो मुझे इस मॉडेम में लगाना है। ये जो पहला पोर्ट है इस पोर्ट पर मुझे इसे लगाना है। दूसरा जो पोर्ट है ये टेलीफोन का कनेक्शन मैंने लिया है जो RG11 पोर्ट है, और यहाँ पे दो ON का आउटपुट मिला है। इसमें से एक मैंने कंप्यूटर में लगाया है ये केबल, और दूसरा जो पैच केबल है इसको मैंने टीवी में लगाया हूँ। और उसका बाद एक होल मिलता है, ये जो होल है इस होल से आप मॉडेम को रीसेट कर सकते हैं। अगर आप रीसेट करते हैं तो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया है सब कुछ एज डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, साथ में पासवर्ड भी एज डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मतलब आप इस ONU में जितना भी सेटिंग्स किया है सब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और ONU का जो पासवर्ड है वो भी आपका सेट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मतलब रीसेट करने से सारे सेटिंग्स सेट डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे। और साथ में आपका है पावर कनेक्शन, तो इस ONU के साथ जो पावर अडैप्टर दिया है उसको मैंने अटैच कर दिया। और उसके बाद एक बटन मिलता है, ये है आपका ऑन ऑफ स्विच। तो और साथ में दो एंटेना भी मिलता है जो वाईफाई है, एक मैंने कंप्यूटर में लगाया हूँ, दूसरा मैं टीवी में लगाया हूँ, और बाकी मैं जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो मैं वायरलेसली ले लूँगा। और इस ONU में देखिए ये साइरोटेक कंपनी का ONU है जिसमें आपका सारे बटन ब्लिंकिंग कर रहा है। सिस्टम का LED ग्रीन है। इसमें LOS लिखा हुआ है मतलब सिग्नल लॉस है। उसके बाद इसमें पॉन जो दिखा रहा है उसका भी ये थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद पावर ठीक है, वाईफाई भी आ रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है। मतलब जब मैं एक केबल लगाऊंगा फाइबर का तब ये लॉस भी ग्रीन में आ जाएगा और इंटरनेट भी आ जाएगा। उसके बाद दो लैन केबल का इंडिकेशन दिया है, दो लैन डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर के साथ एक टीवी के साथ। तो फाइबर का कनेक्शन लगाने से पहले इसका ऊपर में जो कैप है मैंने खोल के दिखाया था एक बार, इसको खोल के अब रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एक नोच दिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक नोच है, इस नोच को ऊपर की तरफ रहना पड़ेगा तभी इसमें मॉडेम में आ जाएगा। तो नोच को मैं ऊपर की तरफ रखा हूँ, तो नोच को मैं ऊपर की तरफ रख के मैंने इसको इंसर्ट कर दिया हूँ। तो अभी देखिए इसमें ये जो लॉस वाला इंडिकेशन है ये इंडिकेशन देना बंद हो गया है, और अभी इंटरनेट में देखिएगा इंटरनेट भी आ चुका होगा, थोड़ी देर टाइम लगेगा आने में। तो अभी देखिए इसमें इंटरनेट आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे इंटरनेट का जो LED है वो ब्लिंक कर रहा है। तो अगर ब्लिंक नहीं होता, इंटरनेट नहीं आता है किसी कारण से, तो आप कंप्यूटर में जाके सेटिंग कर सकते हैं। वो सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर में सेटिंग करने के लिए मतलब यहाँ से जो आउटपुट
वैन केबल निकलता है, जो पैच केबल निकलता है, उसको कंप्यूटर के साथ पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, तो पहले आपको केबल कंप्यूटर के साथ लगाना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर में जाके आपका जो BSNL जो पासवर्ड प्रोवाइड करेगा वो उसको आप मांगना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉडेम के पीछे में पासवर्ड दिया हुआ है, वो पासवर्ड BSNL वाला सेम भी रख सकता है और चेंज करके भी दे सकता है। सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, तो इसमें से इंटरनेट आ रहा है, फिर मैं ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको देना है 192.168.1.1, तो इसको मानने से साइबरटेक का जो साइबरटेक कंपनी का जो ONU का पहला पेज है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एडमिन लिखा हुआ है, तो एडमिन जनरली कोई चेंज नहीं करता है, तो एडमिन एडमिन ही रहेगा। उसके बाद पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, तो पासवर्ड इसमें मैंने चेंज करके रखा था, तो जो पासवर्ड मैं इसमें लगा देता हूँ, उसके बाद आपको जो वैलिडेशन कोड है वो देना पड़ेगा, जो ऊपर में कैप्चा वगैरह दिया हुआ है, तो ऐसा देना पड़ेगा आपको 5Y, अगर कैपिटल है तो कैपिटल दीजिए, स्मॉल है तो स्मॉल दीजिए। तो इसमें मैंने दे दिया है मैंने, अभी इसको लॉगिन करता हूँ, ये देखिए लॉगिन हो चुका है। तो इसमें देखिए स्टेटस में दिखाएगा ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो इनकेस अगर आपका कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका लिंक मोड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिंक मोड लिखा हुआ है, लिंक मोड में आपका PPPoE दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है, PPO से IPOE करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करके फिर से आप इसमें PPPoE कर दीजिए, फिर से अप्लाई कर दीजिए, इससे क्या होगा आपका मॉडेम में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो उस केस में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि PPPoE जो है वो इंटरनेट के लिए है और IPOE जो है वो आपका टेलीफोन के लिए है। तो चेंजेस करने से मॉडेम में भी चेंजेस होता है, तो इस चेंजेस से क्या हुआ, अगर मॉडेम में जो सेटिंग्स था वो आ जाएगा फिर से। तो ऐसा प्रॉब्लम मेरे जो भी आया था, तो मैंने इसको PPE से IPO करके देखा, उसके बाद फिर से मैं PPOE करके दिया, फिर एक काम करना स्टार्ट हो गया। चलिए मैं इस पोर्टल को बंद कर देता हूँ, तो अभी मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ कितना स्पीड मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं मैक्सिमम 60 Mbps वाला प्लान लिया हूँ, तो इसमें मैं ओकला का जो स्पीड टेस्ट है उसको मैं चेक करता हूँ। तो इसमें मैं गो में एक बार क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये अभी 60 से ऊपर ही दे रहा है, 75 Mbps तक दे रहा है डाउनलोड स्पीड, और अपलोड स्पीड भी आपको वही मिल जाएंगे, मतलब 60 Mbps से थोड़ा सा कम मिलेंगे। अगर आपका दिन के वक्त या तो ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको 50 Mbps के आसपास जरूर मिलेंगे, लेकिन 60 Mbps से थोड़ा सा कम मिल भी सकता है, अगर ट्रैफिक के ऊपर में डिपेंड करता है BSNL कितना कनेक्शन दिया है, एक ही ब्रॉडबैंड का जो हब है वहाँ से। तो पिंग करने से मुझे देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू मिल रहा है, जो डाउनलोड स्पीड है वो 65.85 मिल रहा है, और अपलोड स्पीड जो है मुझे 28.84 मिल रहा है। टीवी में मैं आपको दिखाता हूँ, टीवी में अगर आप इससे टीवी चलाते हैं तो टीवी में भी कोई इशू नहीं आता है, यदि टीवी ऑन किया हुआ है, टीवी में लैन से कनेक्शन किया हूँ, आप चाहे तो आप वाईफाई से भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये मेरा TCL का टीवी है, जो मैंने अलग और एक मॉडल लिया था, चलिए मेरा चैनल आ गया। इसमें मैं आपका 4K जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं दिखाऊंगा, और 4K रेजोल्यूशन में मैं आपको टीवी चला के दिखा रहा हूँ। तो इसमें मुझे 4K जो मैंने वीडियो छोड़ा था वो 4K कौन सा था मेरा, ये देखिए ये जो मेरा वीडियो है जीवन हुई वी लेस गिम्बल, ये आपका 4K वीडियो है, इसको मैं चला के दिखाता हूँ। तो 4K का जो वीडियो है उसमें मैं आपको रेजोल्यूशन दिखा देता हूँ कितना रेजोल्यूशन, देखिए मोड में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन में चला जाता हूँ, यहाँ पे देखिए 4K क्वालिटी में आपका यहाँ पे 4K चल रहा है, तो 4K में मैंने इसको चलाया हूँ। ये वीडियो जो है 4K में है, ये वीडियो जो है ये 4K में चल रहा है, नहीं, जो है आपका
कहीं सामान आपको मिल जाएंगे अगर आप कमेंट में होंगे तो मेन यूनिट उसके बाद दो एक आपका राइजिंग प्लेट एक मांडो प्लेट एक दोनों प्लेट आ जाएगा बैटरी बैटरी का साथ चार्जर और एक तो BSNL का जो कनेक्शन स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है तो 60 Mbps में 75 Mbps मिल रहा है और 100 Mbps में ज़्यादा ही मिलेंगे और अप टू 200 Mbps 300 Mbps का कनेक्शन भी है आपको जो प्लान अच्छे लगे उस प्लान के हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो BSNL का जो FTTH कनेक्शन है उससे मैं टीवी में आपको 4K वीडियो रन करके दिखाया हूँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है कोई लैग नहीं है तो अभी मैं इसको स्टॉप करके रखा हूँ। तो काफ़ी सारा प्लान है जो भी प्लान आपको अच्छा लगे उस प्लान के हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। और मॉडेम के बारे में मैं अगर आप साइडोटेक का जो ONU है इसका अगर आप अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो ONU यहाँ पे लगा हुआ है इस ONU को अगर अलग से अगर वीडियो बनाना है तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। तो इस तरह BSNL का कनेक्शन का जो सेटअप है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिसने इससे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।